फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सोफ़ी बॉडी फिट एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड्स का। तो सबसे पहले तो ये सोफ़ी ब्रांड के पैड्स हैं और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड्स हैं और इसकी प्राइस है 110। आप देख सकते हैं 110 में यहाँ पे 18 पैड्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग यानी एक्सेल पैड्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिलता है। ज़्यादा महंगे ये बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, बहुत स्मॉल पैकेट है, बहुत ही छोटे से पैकेट में 18 पैड्स हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल फ्रेंडली, अगर आपको ट्रैवल में जाना है या कहीं लेके जाना है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली इसका पैकेट है। प्लस इसकी बहुत डीप अब्जॉर्बिंग शीट है, यानी लीकेज प्रिवेंट करेगा। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर 290 mm इसकी लेंथ है, 290 mm इसकी लेंथ आप आराम से देख सकते हैं। बाकी एक्सेल पैड्स के हिसाब से ये थोड़ा और लॉन्ग है। एंड अब मैं इसको आपको, ये यूनिक काम की है और ये जापान का नंबर वन पैड है सोफ़ी। और मैं आपको इसको ओपन करके बता दूँ कि अंदर से ये किस टाइप का है। तो पहली चीज़, इस तरीके का पैड जो है ये आता है, ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली। और ये इंडिविजुअली रैप्ड होता है एंड इस तरीके से पैक होता है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इसको ट्रैवलिंग में ले जाना है या कहीं स्कूल कॉलेज ऑफिस ले जाना है, बहुत इजीली ये ले जा सकते हैं। प्लस किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ भी डस्ट डर्ट अगर पैकेट खुला है तो पैड के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा। ये बेस्ट क्वालिटी है इसकी और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपको इसको ओपन भी करके बता देती हूँ कि यह है किस टाइप का। जो यहाँ से ओपन होता है इस तरीके से, मैं दिखा देती हूँ आपको ओपन करके, देखना है किस तरीके से। यहाँ पे ओपन कर देती हूँ इसको अच्छे से। तो ये पहली चीज़, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और इसके पीछे एक और पेपर होता है, यानी ये आउटर कवर है और फिर यहाँ पे ये एक और पेपर है और इसके बाद ये पैड है। और इसके विंग्स हैं, ये विंग्स हैं। इसमें साइड में बहुत अच्छा ये एक फीचर है कि साइड लीक नहीं होने देते। यहाँ पे जो साइड लाइन्स आपको दिख रही है, ये लीक नहीं होने देते, जो बहुत अच्छी है, लीक नहीं होने देगी। प्लस एक बहुत अच्छा कवरेज अब यहाँ पे मिलता है। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लीकेज प्रिवेंट करता है, तो हाँ ये सच में बहुत अच्छा लीकेज प्रिवेंट करता है। और इसकी डीप अब्जॉर्बेंट शीट है, यानी लास्ट लेयर तक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है। एक्स्ट्रा लॉन्ग है एंड इसके नाम के हिसाब से बॉडी फिट, यानी बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को फिट हो जाता है। जापान का नंबर वन पैड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका बहुत कम्फी ड्राई कवर है, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत कंफर्टेबल कवर है। यानी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी डिसकंफर्ट नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्टेबल एक्चुअली ये होता है। तो इसकी बेस्ट क्वालिटी मुझे लगती है। और मल्टी कंट्रोल लिक लाइंस है इसमें, यानी मैंने आपको पहले बता चुकी जो साइड लाइंस है वो बहुत अच्छे से मल्टी लिक कंट्रोल का काम करती है। द बेस्ट थिंग, इसमें जेल टेक्नोलॉजी बहुत कम है, कॉटन ज़्यादा है। यानी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपको इजीली कोई पैड सूट नहीं होता, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करने के बाद आई डोंट थिंक आप किसी और पैड को स्विच करोगे, क्योंकि 100% कॉटन का होता है, बहुत अच्छे से आपको कंफर्ट देता है एंड बहुत इजीली आपको ये सूट भी हो जाता है। किसी भी तरीके के रैशेज, इचिंग या कोई भी इन्फेक्शन इससे नहीं होते हैं। एंड नॉर्मली जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मली करना चाहिए 4 to 6 hours में आपको उसको चेंज कर लेना, जैसे नॉर्मली हर वो करना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू यूज़ इट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़ कर दिया है, रैपर निकालना है, स्टिक करना है, देन विंग्स का रैपर निकालना है एंड विंग्स को भी स्टिक कर लेना है। फिर डिस्पोजल के लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको रैप करना है, इसी का जो रैपर आता है उसी में आप रैप कर सकते हैं एंड डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। आपको इसको फ्लश नहीं करना है, जिससे क्लॉगिंग भी हो सकती है, जो आपको यहाँ पर बहुत साफ साफ दिया हुआ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी पैकेजिंग है। एंड ये बहुत छोटे से पैकेट में 18 पैड्स ले जाते हैं, यानी आप स्पेशली कहीं ट्रैवलिंग के लिए ले जाना चाहते हैं, अफोर्डेबल प्राइस है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है
ये 290 mm यानी 29 cm का, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ हो जाती है। और इसकी क्वांटिटी है 89, यानी ये 18 पैड्स आते हैं। और सोफी इज जापान्स नंबर वन सैनिटरी नैपकिन ब्रांड बेस्ड ऑन इंटेज इंक्लूड रिसर्च इन जापान। सेल्स वैल्यू जुलाई 2016 टू जून 2018, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सोफी जापान का नंबर वन पैड है और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में कुछ जो डिटेल्स है वो सब दी गई है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको आप हाइजीनिक प्लेस में रखें, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ ज़्यादा डस्ट डर्ट ना हो, एक हाइजीनिक प्लेस हो। और यहाँ पे दिया है कि अगर आपको इससे ज़रा भी डिस्कम्फर्ट लगता है या इचिंग होती है तो इसको यूज़ ना करें। और इधर भी ऑफिस वगैरह के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है। एंड यहाँ पे MRP भी दी हुई है। एंड ये दिया हुआ है आप इसका पैकेजिंग डेट, एंड पैकेजिंग डेट के 3 ईयर्स बाद तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन क्लिक करना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताना कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसी चीज़ का नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।